and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आपका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम सबका मैं आभारी भी हूँ कि आप लोग इतना स्नेह देते हैं हम सबको एंड यू हैव मेड इट व्हाट वी आर टुडे. आज जो विषय हम लोग उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने ज्यादा रिसर्च कभी नहीं किया क्योंकि मेरी इधर इस एरिया में इच्छा होती भी नहीं है कभी भी करने की क्योंकि इसके में बाकी जो हमारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने बहुत रिसर्च किया है. तो आज ही एक ऐसे ही है, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काफी फेमस है सोशल मीडिया पे. तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री आभास मलदयार. नमस्कार आभास जी. नमस्ते आदित्य जी. अगेन इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो. एक बार फिर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार. एक ये जो क्वेश्चन आपने इफ यू रिमेम्बर आपने एक शो किया था हमारे चैनल पे पेट्रा के ऊपर और आपने प्रूफ किया था कि पेट्रा इज द मक्का और मदीना तो वर नॉट द रियल प्लेसेस एंड पेट्रा इज द ओरिजिनल प्लेस जहाँ पे सारी दुनिया की जो मॉस्क्स हैं पॉइंट करती हैं वो पेट्रा की तरफ करती हैं ओरिजिनल मॉस्क्स हैं बाकी जो नई वाली हैं वो मक्का मदीना की तरफ जाती हैं एंड दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव शो एंड फॉर द व्यूअर्स आई विल से डू वॉच दैट शो आई विल पुट द लिंक देयर एंड आभास हैज रिटन मेनी बुक्स लेकिन जो विषय पे आज मैं लेने जा रहा हूँ सो डू हाउ डू यू सी दिस बाबर फिनोमेना इसको बाबर फिनोमेना को कैसे देखते हैं आप इसको पहले इसके नाम का भी मतलब बताइए क्योंकि नाम भी मैंने कुछ इसका कुछ और मतलब होता है. सो बाबर का मतलब इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम बबर मतलब बब्र जो पर्शियन में इसको बब्र बुलाते हैं बब्र से ये बब्बर बन गया मतलब जो शेर होता है एक्चुअली ये वहां से आ रहा है और ये नाम बाबर को उसके चाचा ने दिया था एंड चाचा या मामा किसी एक ने दिया था और ऐसा था कि ही विल बिकम ऑल द पीपल हैड अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस फ्रॉम हिम क्योंकि उनके जो पिताजी थे उमर शेख वो बड़े आर्टिस्ट किस्म के इंसान थे मतलब उनको पोएट्री का ज्यादा शौक था पेंटिंग्स का शौक था उनको हर कला से बहुत लगाव था उनके पिता को. हालांकि बाबर ये बताता है बाबरनामा में कि उसके पिता बहुत अच्छे वॉरियर भी थे और हर किसी के पिता उसके लिए उसके हीरो होते हैं तो नॉट बीइंग वेरी डिफरेंट बाबर के लिए भी वैसा था. लेकिन हम बाकी के सोर्सेज में जब जाते हैं तो पता चलता है कि उमर शेख वॉज नॉट वेरी पावरफुल ऑफ दैट मच पावरफुल ऑफ अ किंग. तो जब बाबर का जन्म हुआ था तो लोगों को बहुत ही ज्यादा उम्मीद था कि बाबर विल बी वन ऑफ दोस टिमुरिड प्रिंसेस वो एक ऐसा टिमुरिड प्रिंस होगा जो टिमुरिड क्लान का नाम बहुत ही आगे रोशन करेगा और यही सब सोच करके उसको बाबर का टाइटल दिया गया था टाइटल रैदर नाम दिया गया था जलालुद्दीन जहीरुद्दीन को. तो ये जो बाबर का जन्म किधर हुआ था और वो कैसे भारत पहुंचा क्या वो भारत से प्रेम करता था इस विषय में थोड़ा और बताइए अपनी बुक से. जी तो बाबर एक उज्बेकिस्तानी है उस तरह से देखा जाए तो उसकी जो बर्थ प्लेस है वो उज्बेकिस्तान समरकंद नहीं उज्बेकिस्तान के अंदर में एक फरगाना बोलकर के जगह आता है वहां से वो बिलोंग करता था और फरगाना में अंदीजान स्पेशली सो अंदीजान वो ऐसा जगह है जहां पे अंदीजान का एक अपने आप में अलग सिग्निफिकेंस भी है कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए या फिर जो हम वुमेन्स डे मनाते हैं आज उसको लेकर के भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये वो जगह है जहां 1925 में जब जो कम्युनिस्ट की पार्टी थी वहां पे जब वो सोवियत के अंतर्गत आता था यूएसएसआर के अंतर्गत तो वुमेन्स डे को जब सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था तो वो था बाय बर्निंग द वेल को जलाया था उन कम्युनिस्टों ने वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए बाबर के बर्थ प्लेस पे 1925 में. लेकिन आज कम्युनिस्ट दूसरे आइडिया के लिए खड़े होते हैं लेकिन जो सच्चे कम्युनिस्ट थे उनके आइडियाज बाबर के इस जन्म के जगह पे कुछ और ही अलग था. सो ही वॉज बॉर्न इन अंदीजान और अंदीजान पे बॉर्न और उसके साथ साथ
11 साल की उसकी उम्र थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था, और उसके पिता के देहांत के बाद वो काफी टूट सा गया था। क्योंकि अब एक बहुत जरूरी बात है आदित्य जी, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जैसे मुझे कभी इन तिमुरिड रूलर से कभी उस तरह से कभी स्नेह या सिंपति नहीं आया, अगर क्योंकि वो हमारे लिए तो हमारे दुश्मन ही हैं। मेरे लिए कभी उनके मन में वो ऐसा इमेज नहीं आया कि वो कोई हीरो था या वैसा कुछ था। लेकिन जब मैंने इसको इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अगर हम इनकी कहानी लिख रहे हैं, एंड इफ वी बिकम एज गुड एज ऑफ अ पैम्पलेटियर एज द मार्क्सिस्ट वेयर, पैम्पलेटियर का मतलब वो होता है जो एक पर्टिकुलर एजेंडा पे लेकर के एक कहानी बिल्ड करते हैं, और उनके लिए सत्य असत्य मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ एक नैरेटिव परकुलेट करना होता है, तो वहां पे इतिहास हार जाता है। और इसी वजह से मार्क्सवादियों के हाथों हमारा इतिहास हार गया, क्योंकि जब भी कोई कैरेक्टर होता है उसने अगर 10 बहुत ही बुरे कार्य किए हैं किसी देश के लिए या एक समुदाय के लिए, तो वो लाख उसकी आप अच्छाई भी दिखा देंगे तो भी जो उसकी जो बुराई है उसके लिए हमेशा विल बी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। जैसे विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करें तो विंस्टन चर्चिल भारत के लिए हमेशा एक विलन ही रहेंगे, लेकिन जो विंस्टन चर्चिल ने नाजी इन्वेजन के समय किया था वो अपने आप में एक हीरोइक कार्य था, पर्टिकुलरली ब्रिटेन के लिए या इंग्लैंड के लिए। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो उनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छाई थी उसको उसको धोया जा सकता है, और साथ ही साथ इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो उन्होंने गंदे कृत्य किए, जैसे कि 1943 की जो अकाल था जो बंगाल में आया था जिसमें तकरीबन 4 मिलियन के आसपास लोग मारे गए थे, तो वो भी पाप उसे धुलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर हम बाबर की बात कर रहे हैं तो जो उसका ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन एंगल अबाउट जब वो अपने पिता को खो देता है तो क्या वो महसूस करता है, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, और क्या वो उस समय की जो ये घटनाएं थी कहीं ना कहीं उसको एक बहुत ही बारबेरिक ह्यूमन बनने में और भी कंट्रीब्यूट की। अब अपार्ट फ्रॉम कि किस सोसाइटी से वो आता था या किस सिविलाइजेशन से आ रहा था, वो तो एक बारबेरिज्म साथ में कैरी करके आगे लेकर के जा ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके हालात थे, जो उसका डिस्टर्ब चाइल्डहुड था कहीं ना कहीं, वो भी शायद और भी कंट्रीब्यूट किया इन द काइंड ऑफ मेनेस व्हाट ही विल ब्रिंग इन द डेज टू कम। सो बाबर 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो चुका है, और वो इस वक्त अंदिजान से काफी दूर है, उसको समाचार मिलता है, वो वापस आता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके मामा उसके चाचा अंदिजान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फरगाना को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी दूसरे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जिनका नजर अंदिजान की तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदिजान अपने आप में काफी दुर्लभ जगह था इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट रीजन। अब यहां से उसके एक आर्च एनिमी है शायबानी खान, उसको ये पता चलता है कि अब उमर शेख मिर्जा नहीं रहे जो कि बाबर के पिता हैं, तो वो भी अपना हाथ आजमाना शुरू करता है टू सी दैट इफ आई कैन गेट अंदिजान, और इस तरह से कुछ दिनों तक जदमोजहद चलती है, लेकिन बाबर किसी तरह से अंदिजान पे अपना कंट्रोल बना लेता है, और साथ में वो समरकंद को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो समरकंद को जीतने के लिए आगे बढ़ता है वो जीत भी जाता है समरकंद, जो कि उसने बहुत ही कम उम्र में ये कैंपेन पूरा किया था, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी उस वक्त, ही मस्ट बी 15 और समथिंग जब उसने समरकंद को जीता, और समरकंद को जीतने के साथ साथ उसको खबर मिलती है कि अब अंदिजान खतरे में आ गया है। वो वापस अंदिजान की तरफ आता है, जब तक वो अंदिजान की तरफ आता है तो समरकंद हाथ से चला जाता है, फिर समरकंद भी चला गया अंदिजान भी चला गया, वो फिर कोहाट की तरफ बढ़ता है। इस तरह से पूरी उसकी जर्नी टिल द टाइम ही रीचेस काबुल, 1501 या 2 के आसपास जब तक वो काबुल में पहुंचता है, तब तक उसका बैक एंड फोर्थ फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस चलता जा रहा है, और उसके पास भी एक भी स्टेबलाइज्ड टेरिटरी नहीं है। इसी वजह से उसको शतरंज का बादशाह या चेसबोर्ड किंग भी बुलाया जाता था, जो टाइटल उसको फरिश्ता, जो कि एक बहुत बड़े मुस्लिम इतिहासकार थे, उसने दिया था। तो इससे आपको पहला इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि बाबर कोई
वैसा बाबर जो मतलब शेर या वैसा कोई पावरफुल रूलर नहीं था जैसा लोग हमेशा उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. ही वॉज नॉट अ वेरी पावरफुल किंग और ही वॉज मोर लाइक अ लूजर प्रिंस जो हारता ही जाता था. और पहली बार उसको कोई अगर सक्सेस मिला तो काबुल में आकर के मिला था और इसी वजह से उसको हमेशा से काबुल में दफन होने की मंशा थी. क्योंकि आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा पड़ाव या कोई भी ऐसा जगह होता है जहां आपको सबसे बड़ा सक्सेस मिल सबसे पहली बार मिलता है, आप उस जगह को हमेशा याद रखते हैं. और बाबर वॉज नो डिफरेंट मैन. ही वॉन्टेड टू कम बैक एंड गेट बरीड इन काबुल, इसलिए उसको काबुल से उतना फैसिनेशन था. लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि काबुल से उसको बहुत प्यार था या अफगानिस्तान से उसको बहुत प्यार था. क्योंकि जब वो अफगानिस्तान एंटर कर रहा था तो वहां पे उसने बहुत ही गंदे नरसंहार किए. जब अफगान सरेंडर भी करते थे यानी कि आत्मसमर्पण भी करने के लिए आते थे, फिर भी बाबर चाहे वो हाजरा थे या फिर जो अलग अलग ट्राइब्स थी जो अफगानिस्तान की, उनको वो नहीं छोड़ता था. और उसने बिल्कुल बाबर नाम में डिस्क्राइब किया है कि कैसे उसने कितने मस्तकों के टावर खड़े किए हैं जिसका नंबर, और वो इनफैक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि इन अफगानियों का के सरों का जब वो टावर बनाता था या मीनार बनाता था तो एक एक मीनार में तकरीबन 200 सर हुआ करते थे. तो ये सब और आज जब मैं देखता हूँ कुछ अफगानियों को जब वो बाबर को सेलिब्रेट करते हैं, वो बोलते हैं कि बाबर को अफगानिस्तान से बहुत प्यार था, तो आई कैन जस्ट लीव अ स्माइल बिकॉज सत्य इससे बहुत परे है. इनफैक्ट अफगानिस्तान अफगानियों को उनके मुसलमान बनने के बाद भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है तालिबानियों से पहले तो वो शायद बाबर ही था. और बाबर ईस्टवर्ड बढ़ते जा रहा है, उसका एक पर्पस है क्योंकि ईस्ट इज ऑलवेज इजी फॉर हिम, क्योंकि जो वेस्टर्न फ्रंट है वो पूरी तरह से उसके कजन्स कैप्चर कर चुके हैं. ही कांट हैव अ टेरिटरी और उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है. ही इज हैविंग थ्रोनलेस पीरियड और जो काबुल में कंटिन्यूसली शाइबानी खान का थ्रेट आ रहा है, इस वजह से अब उसको ईस्ट फर्दर मूव करना है तो वो भारत की तरफ मूव करने की कोशिश करता है. और साथ ही साथ उसका एक पर्पस था जो था तैमूर के मंसूबे को पूरा करना. और तैमूर का मंसूबा क्या था या तैमूर का स्वप्न क्या था? तैमूर का स्वप्न था पूरे विश्व का इस्लामीकरण और भारत में एक एम्पायर एस्टेब्लिश करना है. तो उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए बाबर आता है. इसके बारे में और भी हम आगे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं जैसे जैसे आप आगे और सवाल पूछेंगे या फिर पॉइंट आगे ऊपर आता है. तो एक्चुअली इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात आता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आता है कि हाउ वाज बाबर एबल टू रीच इंडिया, क्योंकि इस पे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं हाउ वाज एबल टू रीच इंडिया और विच व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स मीन्स द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जिसकी वजह से वो भारत में अपनी जड़ बना पाया, लाइक हाउ वाज दैट पॉसिबल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे मन में बहुत है. सी आपने जो सवाल पूछा है बहुत पर्टिनेंट है क्योंकि अगर बाबर इतना कमजोर शासक था या फिर अगर बाबर सच में वाज एक्चुअली लाइक अ लूजर प्रिंस, तो भारत में जब इतने समृद्धशाली लोग थे और इतने पावरफुल राजा हुआ करते थे, ग्रेट्स लाइक राणा संग्राम सिंह, राइट, साउथ में विजयनगर एम्पायर स्टिल वाज एग्जिस्टिंग इन सम फॉर्म और हर जगह पे बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करते जिसके बारे में बाबर भी बात करता है बाबर नामा में, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में इंटर कर पाता है और क्या उसका मेथडोलॉजी था, ये कई लोगों को बहुत क्यूरियस करता है. वो फाइनली उसके पांचवें कैंपेन में वो भारत में इंटर कर पाया. उसकी उसके रास्ते इतने आसान नहीं रहते क्योंकि जो सबसे बड़ी एडवर्सरी थी इन सारे इन्वेडर्स के लिए भारत में आने के लिए वो था उस उनका हिंदू कुश का क्लाइमेट. इनफैक्ट बाबर के जो पहले के चार कैंपेन थे उसका फेल होने का कारण लार्जली बहुत हद तक क्लाइमेट भी था. और वो फाइनली पांचवें कैंपेन में सब कुछ अच्छे से चलता है एंड फाइनली वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इब्राहिम लोदी को हरा करके वो यहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लेता है. अब जब वो इब्राहिम लोदी अब उस समय दिल्ली पे शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, और चूंकि लोदी का शासन था तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सल्तनत थी या फिर जो
लोग शासन कर रहे थे दिल्ली पे, जो कि हमारी कैपिटल शुरू से रही थी, वहां पे मलेच्छू शासन था या फिर तुर्की शासन था, जो टर्म हम यूज किया करते थे उस वक्त। सो जब बाबर ने यहां पे आक्रमण करना चाहा, तो बाकी के जो राजा थे उनके मन में ये नहीं था कि भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनके मन में ये पर्सपेक्टिव था कि लोदी वंश के खिलाफ युद्ध हो रहा है। सो दे निडंट इवन केयर टू गिव अ मच हीट टू इट, और शायद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी थे। और उस समय मैं इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा हूं कि भारत वॉज नॉट टाइड इन अ थ्रेड और समथिंग, लेकिन जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट हुआ करता था उस वक्त पे, वो बहुत अलग था। वी वेर स्टिल वेरी सिविलाइजेशनल एज अ नेशन, हमारे लिए सिविलाइजेशनल वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होते थे। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में भी कोई भारतीय पद्धति को, यानी कि हिंदू पद्धति को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारे लिए भारतीय है, ऐसा जरूरी। हम हमेशा सिविलाइजेशनल डोर से बंधे हुए थे, हमारे लिए बॉर्डर्स या बाउंड्री उस तरह से मैटर नहीं करती थी। तो ये मोर ओवर इट वॉज लाइक अ बैटल बिटवीन द टू मलेच्छास। और इनफैक्ट बाबर जब राणा संग्राम सिंह के चिट्ठी की बात करता है, वो कि राणा संग्राम ने, महाराणा संग्राम ने उनको चिट्ठी लिखी थी, तो वो सिर्फ बाबर नाम में उसका जिक्र आता है। जितने भी राजपूत हिस्टोरियन है वो इस बात को नकारते हैं कि राणा सांगा को जरूरत पड़ती बाबर की टू डिफीट इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी राणा सांगा ऑलरेडी हरा चुके थे, ही वॉज क्वाइट पावरफुल, ऐसे में उसको बाबर की क्या जरूरत पड़ेगी। तो उसके साथ साथ अगर हम ट्रायंगुलेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, तो ट्रायंगुलेशन का मेथड ये होता है हिस्टोरियोग्राफी में कि आपको अगर एक एविडेंस मिल रहा है, जैसे इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बाबर नामा में बाबर ये बता रहा है कि चिट्ठी लिखी राणा संग्राम सिंह ने, लेकिन वो चिट्ठी क्या थी वो किसी को नहीं पता है। और ये भी तो हो सकता, अब पहला मेरा इस बात को लेकर के ये आर्ग्यूमेंट आता है आदित्य जी कि अगर चिट्ठी लिखी भी तो क्या, कुछ पल के लिए अगर हम ये मान भी लें कि राणा संग्राम ने उनको ये चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने का अर्थ ये थोड़ी हो गया कि राणा संग्राम सिंह की महानता घट गई। ये शायद एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है बाबर को फंसाने के लिए। और जब आप युद्ध करते हैं, जब आप मलेच्छू के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, तो आप वो धर्म युद्ध नहीं लड़ेंगे, मतलब धार्मिक प्रिंसिपल्स यू विल हैव टू डिफाई इट। आप कई बार यू विल गो आउट ऑफ द वे, आप साम दाम दंड भेद हर किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे टू डिफीट योर एनिमी। और उसमें अगर बाबर सही भी बोल रहा है कि राणा संग्राम सिंह ने चिट्ठी लिखा, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने बाबर को ऐसा जगह दिखा दिया जो वो डिजर्व करता था। ही डिजर्व दैट काइंड ऑफ बिट्रेयल, एंड आई वोंट कॉल इट अ बिट्रेयल, रादर आई विल कॉल इट अ स्ट्रेटेजिक मूव अगेंस्ट बाबर। लेकिन अब ऐसे में हमको शायद कभी इस तथ्य का पता नहीं चल पाएगा कि संग्राम सिंह ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी। अगर महाराणा संग्राम सिंह ने चिट्ठी लिखी हो भी होगी, नहीं भी लिखी होगी, इसका रिजल्ट हमको तभी मिल पाएगा जब हम फिर से महाराणा संग्राम सिंह या फिर बाबर से बात कर पाएंगे, क्योंकि आज तो वो हमारे बीच में है नहीं। और अगर चिट्ठी लिखी या ना लिखी, हमारे लिए तो महाराणा संग्राम सिंह हमेशा महान ही रहेंगे। सो इट वॉज मोर अबाउट क्लाइमेटिक सिचुएशन जो उसको बाबर को फेवर कर गए उस वक्त तक, उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम थी भारत की वो उसको हेल्प कर गई, और इस वजह से बाबर भारत में घुस पाया था। नहीं तो अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उतना ही मजबूत होता, जो कि कमजोर हो गया था ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द मलेशिया अटैक टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड जो मलेशियों का शासन दिल्ली में हो चुका था, अदरवाइज अगर ये 8th century पहले का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होता, तो शायद बाबर एंटर नहीं कर पाता। एक्चुअली ग्रेट पॉइंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी था, बिकॉज सभी लोग एक कंफ्यूज रहते हैं कि आया कैसे यहाँ पे, किसने इसको प्रेरणा दिया, किसने इसको अलाउ किया भारत के अंदर। और मैंने ये भी सुना था कि बार बार बाबर को भारतीयों से इतनी चिढ़ थी कि बार बार भागता रहता था। ये दो साल, अगर 3 साल यहाँ पे रहा, कितने वर्ष रहा भारत में, और चिढ़ के बार बार जाता था। गर्मी से इसको प्रॉब्लम थी, he wanted to always say कि मुझे तो ठंडी जगह अच्छी लगती है। Is that true? हाँ,
नहीं, दैट्स वेरी ट्रू. ही हैज बीन वेरी मच क्रिटिकल ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्चुअली. ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म व्हाट ही डिड ऑफ इंडिया, दैट वाज वन ऑफ देम. और बाकी क्रिटिसिज्म उसके ज्यादा भारत के लिए नहीं मिलते. ऑफ कोर्स ही लाइक एनी अदर मलेच राजा, ही उसको काफिरों से नफरत था, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको मतलब हिंदुओं से नफरत हो जाएगी, भारतीयों से नफरत हो ही जाएगी, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन एज वेल. और उसके साथ साथ एक जो पॉइंट था कि काबुल वो इसलिए बार बार जाना चाहता था, या फिर काबुल की मेमोरी हमेशा उसके साथ इसीलिए थी क्योंकि काबुल एग्जैक्टली वो प्लेस थी जहां उसको सबसे पहला राइज मिला था. वो राइज अनप्रेसिडेंटल था. मतलब एक आपको मैं एक इंस्टेंस बताता हूं. जब बाबर ताशकंद में अपने मामा के घर पे जाता है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एंटर्ड द पैलेस. और जब वो पैलेस में एंटर करता है, जब वो वहां पे अपना कदम रख रहा है, सो ही इज सो टेकन अबैक. मतलब पैलेस की जो फील होती है उस मार्बल पे पैर रखने की, वो एक्सप्रेस करता है बाबरनामा में कि उसको पहली बार महल में पैर रख के कैसा लग रहा है. और उसके जो हालत थी बाद में ताशकंद में, वो पॉवर्टी की जिंदगी बिता रहा है, गरीबी उसके ऊपर छाई हुई है, उसके पास इतने वेल्थ भी नहीं होते हैं कि वो अपने लोगों को खाना दे सके. देर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑन द ट्रैवल कैंपेन, जब उसके पास पूरी सप्लाई खत्म हो गई है, तो वो घोड़ों को मार करके दे सर्वाइव. And that's how, और उस वजह से कई बार जो भारत का कैंपेन भी था, क्योंकि उसके घोड़े कम पड़ने लगे थे, वो घोड़ों को मारे जा रहे थे वो लोग, इस वजह से कई बार एक कैंपेन उस कारण से भी फेल हुआ था क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं थे टू ट्रेवल इवन. और तो बाबर हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर काबुल एंड हैड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर लव फॉर हिंदुस्तान. उसका कारण था यहाँ पे सोने चांदी बहुत बहते थे. और वो बाबरनामा में हमको ये बताता है कि भारत में क्योंकि सोना और चांदी बहुत ही अबंडेंस में अवेलेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे आकर के शासन स्थापित करना बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत डोसाइल हैं. यहाँ पे लोग भी बहुत डोसाइल हैं, उसका मतलब ये हो गया कि दे आर रेडी टू वर्क फॉर यू एज, मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा वो आपके लिए काम कर सकते हैं. और किसी भी एक एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक यू नीड आर्किटेक्चर, यू नीड सपोर्ट ऑफ द पीपल टू बिल्ड मोर एंड मोर स्ट्रक्चर, यू नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, और उसके साथ साथ आपको सोने चांदी पैसे चाहिए. तो ये सारी चीजें थी जो बाबर को बड़े आसानी से भारत में अवेलेबल हो जा रही थी. तो इस कारण से वो भारत में आना चाहता था और यहाँ पे आकर के शासन करना चाहता. लेकिन उसके पीछे एक जो कोर प्रिंसिपल था, वो कोर प्रिंसिपल था तैमूर का. और तैमूर चूंकि तैमूर का जो मंसूबा था वो भारत में आना है, उसका इस्लामीकरण करना है. और ये हमको इसलिए पता चलता है क्योंकि बाबर ने खुद तैमूर के बायोग्राफर ने खुद, उसके बायोग्राफर का नाम याजदी है, वो बताया है कि तैमूर के जो जीवन का लक्ष्य है वो है इस्लामीकरण करना पूरे विश्व का. और विश्व के इस्लामीकरण करने के साथ साथ बहुत, अब एक थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहिए लोगों को. 1100 और 1200 के आसपास, 11वीं और 12वीं सदी में सबसे ज्यादा हदीस लिखे जा रहे थे, और क्योंकि अबासिद्स के रूल तक हदीस काफी बल्क में लिखे जा रहे थे. उस समय एक हदीस अपेयर हुई थी जो कि गजवाए हिंद थी, और गजवाए हिंद जो हदीस थी वो सारे मुसलमानों के बीच में काफी पॉपुलर हुई थी. और बाबर वाज आल्सो अवेयर अबाउट गजवाए हिंद, तैमूर खुद अवेयर था गजवाए हिंद के बारे में. सो हिंद को कॉन्कर करना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इन बिकमिंग लार्जर रूलर इन इस्लाम. तो ये सारे लोग इस बात को समझते थे. और आदित्य जी, आपको जानकर के ये हैरत होगा कि बाबर खुद को गजनी और गोरी के लाइन में समझता था. मतलब ये हुआ कि जस्ट आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि एक पार्ट ऑफ बाबर नामा है जहां पे बाबर ये बताता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद दो त्रामुंताना इन्वेडर भारत में आए. त्रामुंताना इन्वेडर का मतलब है, त्रामुंताना मतलब अफगानिस्तान की पहाड़ी इलाका और उस तरफ के.
जो दो थे वो थे गजनी और गोरी, पहला था गजनी, दूसरा था गोरी, और तीसरा हूं मैं बाबर। तो उसके बीच में वो जो खिलजी हो गए या फिर लोदी हो गए, ये जो पूरी जो स्लेव डायनेस्टी थी वगैरह वगैरह, इनको तो वो बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल समझता था, और उसके नजर में ये दो लोग बहुत बड़े हीरो थे जो दो सबसे बड़े बुत शिकन थे। इसका मतलब ये हुआ कि आइडल ब्रेकिंग उसका इंस्पिरेशन था, वो खुद को एक बुत शिकन से कंपेयर करता था, और यही वो कारण था कि बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था उसके बाद उसने गाजी का टाइटल भी खुद को दिया था। और गाजी कौन होता है, जो कि इस्लाम के बैट जो इस्लाम का बैटल होता है काफिरों के खिलाफ, वहां पे जो विजय प्राप्त करता है वो गाजी होता है, राइट। और गाजी कम्स फ्रॉम अ वर्ल्ड कॉल्ड गाजा, गाजा का मतलब है उस पूरे टू गेट अ विक्ट्री, एक कैंपेन जो विक्टोरियस कैंपेन होता है काफिरों के खिलाफ, सो गाजी वहां से आ रहा है। तो इंडीड इस्लाम वॉज अ बिग मोटिव फॉर बाबर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन सारे मोटिव्स के वजह से बाबर हिंदुस्तान आया था। आवाज जी पहली बार ये क्वेश्चन आंसर हुआ है, पहली बार, इट वाज ऑलवेज स्टक इन माय ब्रेन क्यों ऐसा है ना। और वो सिर्फ 4 साल यहाँ पे शासन किया था, सिर्फ 4 साल, यस आई रिमेम्बर। और बाबर के बारे में जो बाबर नामा है, बाबर नामा आपकी तो बुक ही है, पीपल आई विल से इनका बुक का लिंक अटैच होगा वीडियो में, लोग इसका उनका बुक पढ़े पूरा, एंड आई हैव आल्सो कॉल्ड फॉर दैट बुक इन यूएस आल्सो, सो विल बी डिलीवर्ड इन 1 or 2 weeks। तो ये जो इस बाबर नामा ये किसने लिखा, पहली बात तो बाबर नामा लिखा तो बाबर ने ही है, लेकिन हाँ। वो लिखी गई थी चकताई तुर्की लैंग्वेज में, जो तुर्की उस समय की थी वो, इट्स नॉट सेम एज द तुर्की भाषा जो आज बोली जाती है। हाँ। ये उस समय टर्को मंगोल भाषा थी ये, और ये बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ लोगों को, ये एक डायरी थी बाबर की, और डायरी एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत पर्सनल होती है, राइट। सो आप उसमें वो ऐसे नोट्स बनाते हैं जो आप शायद लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो हर दिन का ब्यौरा लिखता था बाबर उसमें, और उसको ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं था कि वो पब्लिश होगा एज ए ऑटोबायोग्राफी, एज इन लोग उसको पढ़ेंगे, और इसी वजह से बाबर पूरी तरह से ऑनेस्ट है पूरे किताब में, आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाबर कहीं पे भी कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन था उसकी खुद से, मतलब इट वाज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन विथ हिमसेल्फ। और जब ये उसने चकताई तर्किक में ये बाबर नामा लिखी, उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट अभी हमारे पास लॉस्ट हो गई है, वी डोंट हैव दैट मैन्युस्क्रिप्ट। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट आज हमारे पास अवेलेबल है वो है 1579, मतलब 1589-90 के आसपास अकबर ने कमीशन करवाया था, जो कि पर्शियन ट्रांसलेशन थी इस चकताई तर्किक मैन्युस्क्रिप्ट की, और वो पर्शियन या फारसी मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी आज हमारे पास अवेलेबल है, 1590 का वर्जन हमारे आर्काइव में है, और मैंने उसी मैन्युस्क्रिप्ट को रेफर किया। आई पुट द एफर्ट टू लर्न फारसी, जिससे कि मैं उसको पढ़ सकूं, और मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब मैंने पहले ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया तो दो अलग अलग ट्रांसलेशन है मैंने डिस्क्रिपेंसी पाया, जैसे टैक्सन और एनेट बेविस सुजान, सो ये दो बहुत पॉपुलर ट्रांसलेटर्स हैं बाबर नामा के, इन दोनों के ट्रांसलेशन में आपको कई भागों में डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगी। उसके साथ साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पे बाबर ने काफिर शब्द का प्रयोग किया है वहां ट्रांसलेशन में ये हो जा रहा है पेगन और ब्रैकेट में इनफिडल, लेकिन जब आप इस तरह अगर आपने वो अगर काफिर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इट्स वेरी क्लियर नॉन मुस्लिम। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन नहीं लाया जा रहा है पेगन से या वैसा करके, मतलब नॉन मुस्लिम तो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं ना, काफिर तो वो भी है उनके लिए। सो दैट नेसेसली व्हाट द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मेंट, बट दे हैव डन इस तरह की वो जगलरी कर चुके हैं वो पूरे ट्रांसलेशन में। तो जब मैंने इस तरह के डिस्क्रिपेंसीज देख रहा था तो मुझे लगा कि आई हैव टू गो जदुनाथ सरकार वे, क्योंकि जदुनाथ सरकार ने बोला था प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है आपको उस भाषा में जाना है तभी आप उस टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने फारसी सीखने का काम किया, और फारसी सीखने के बाद मैंने मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेस किया, उसको ट्रांसलेट कर करके मैंने खुद के नोट बनाए, और उसके बाद फिर मेरी बुक की राइटिंग शुरू हुई, जहां पे
ये सिर्फ बाबर की बायोग्राफी नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी ऑफ बाबर, जो ये जो अभी वॉल्यूम है, दूसरी वॉल्यूम भी आएगी, इस वॉल्यूम में मैंने कहानी लिखी है बाबर के पिता की मृत्यु से लेकर के उसके भारत आने के दूसरे फेल्ड कैंपेन तक, तो उसके बाद से जो कहानी टिल हिज डेथ, और थोड़ी हुमायूं की कहानी अगले सिक्वल में कवर होगी, जो उम्मीद है कि अगले साल के पहले महीने या दूसरे महीने में रिलीज हो जाएगी, जो उम्मीद है। और यहाँ पे उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐड किए हैं, जैसे बाबर ने बहुत समय अफगानिस्तान में बिताया है, तो अफगानिस्तान का हिंदू पास्ट क्या था, जिस भी ट्राइब को वो मार रहा है आज, तो उनका पास्ट क्या हुआ करता था, तो वो सब मैंने कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड किए हैं। जैसे एक ट्राइब है जुनबिल, जुनबिल ट्राइब, जो कि रुतबिल बोल करके एक इंसान ने एस्टेब्लिश किया था वो डायनेस्टी, और जो कि तुर्कशाही, जो तुर्कशाही थी जिसने एस्टेब्लिश किया था, उसके भाई था ये, उसका भाई था ये रुतबिल, और उनका काफी हिंदू पास्ट रहा है, वो आदित्य की पूजा करते थे, सन गॉड की, और उनके मूर्ति को कैसे तोड़ा गया, वो सब का डिस्क्रिप्शन भी मैंने इस किताब में दे रखा है। तो साथ ही साथ मतलब बाबर की बायोग्राफी देने के साथ साथ मैंने हर जगह के कॉन्टेक्स्ट, एंगल, उसके पास्ट, उसकी ज्योग्राफी, ये सब केटर किया है, ताकि दिस बुक कैन बिकम मोर ऑफ अ एग्जैक्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट गिविंग मटेरियल अलोंग विद द हिस्ट्री ऑफ बाबर। अमेजिंग, आई मीन व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, बिकॉज समटाइम्स पीपल फॉरगेट दैट इफ यू डू नॉट, मतलब अगर आप इतिहास को ठीक से नहीं देखते हैं तो आप उससे, समाज उससे कमजोर हो जाता है, एंड भारतीयों के सब मनोबल गिराने के लिए सब जो छुपाया गया इस तरह का हिस्ट्री, ताकि हिंदुओं को लगे कि उन पे हमेशा आक्रमणों को हमेशा हारे हैं, जबकि हिंदू ने, मैंने उमेंद्र रत्न को की बुक्स मैंने पढ़ी है, हिंदुओं ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत युद्ध किया है उन्होंने, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, इसलिए आज भी हम हिंदू हैं। और लोग बोलते हैं सेंसस तो गलत बोलता है, सेंसस बोलता है 79%, नहीं, मैं मानता हूं 90% हम लोग हिंदू है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अपने घर में गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो घर में रामायण महाभारत पढ़ते हैं, उनकी माएं करवा चौथ ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इट्स गोइंग ऑन, लेकिन शायद वो मदरसों के डर से बाहर आ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग, उनको डर लगता है कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेकिन आप मुझे बताइए कि बाबर के बारे में जो अभी जैसे बाबरी मस्जिद हम लोग को मालूम है कि नाम से जब बाबरी मस्जिद था, बाबर की ने नहीं बनाई थी वो मस्जिद, वो काफी बाद में बनी है, सो ये जो पोस्ट बाबर जो दुनिया थी, अकबर के बारे में लोग जब बात करते हैं, तो बाबर अकबर के लिए कितना इंस्पिरेशन रहा फिर? ऐसे बाबर के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है अकबर ने, और अकबर के नजर में बाबर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कैरेक्टर था, एंड कभी भी अकबर ने बाबर के बारे में कुछ गलत नहीं बताया। लेकिन चूंकि आपने बाबरी का जिक्र छेड़ा था, तो मैं बाबरी के बारे में थोड़ा लोगों को बता देना चाहूंगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाबरी जो नाम है, वो बाबर नाम है दो ही बार आता है, एक बाबरी जो एक स्क्रिप्ट है जो बाबर ने क्रिएट किया था। अब जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी में बिलीव करता हूं, तो वहां पे लोगों की अच्छाई भी निकल करके आएगी, और अगर हम चीजों को उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, तो हम भी एक मार्क्सिस्ट पंपलेटर की तरह ही हो जाएंगे कि एक एस्पेक्ट को उठा के डाल दिया, दैट कैन नॉट बी बायोग्राफी। तो यहां पे उसने एक स्क्रिप्ट क्रिएट की थी, और साथ ही साथ एक बाबरी ऐसा शख्स था जिससे मुलाकात बाबर की उसके पहले निकाह के वक्त होती है। तो बाबर की पहली निकाह 1501-2 के आसपास हुई है आयशा बेगम सुल्तान से, और आयशा बेगम सुल्तान जो है वो इसकी उनके चाचा अहमद की बेटी है। तो ये ये शादी जब ये निकाह होता है, उस वक्त बाबर नाम है, बाबर बता रहा है कि मुझे काफी, मैं बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं हो रहा हूं अपनी पत्नी से या बीवी से, और मुझे कभी भी उनके साथ जाकर के समय व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए मुझे कई बार ऐसा फोर्स किया जा रहा है मेरी नानी से, दादी से और माँ से, इसलिए मैं जाना शुरू कर रहा हूं, और मैं महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार ऐसे करके जाता हूं।
बट मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है अपनी बीवी के साथ। लेकिन मुझे एक शख्स मिला है जिसका नाम बाबरी है, काबुल के कैंप बाजार में, जिसके प्यार में मैं पागल हो चुका हूं। ये बाबर बाबर नाम है, कह रहा है, और मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब मेरी आंखें उसके साथ मिलती हैं और अगर मेरे कोर्ट के कई लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं शर्म से झेप जाता हूं। और बाबर ने बाबरी के लिए काफी सारे रोमांटिक पोएम्स लिखे हैं बाबरनामा में। तो आपको इससे एक बात का क्लैरिटी मिलता है कि सर्टेनली ये वो दौर था जब बाबर वॉज अ बिट बाइसेक्सुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बाइसेक्सुअल नहीं, आई वुड से रादर ही वाज होमोसेक्सुअल, बिकॉज क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी जो बीवी है उससे अट्रैक्टेड नहीं है, बट ही वॉन्ट्स टू गो एंड स्पेंड टाइम विथ बाबरी और वो उसके प्यार में पागल है। अब ऑफकोर्स बाबरनामे ही विल नॉट गिव द एक्सप्लिसिट डिटेल्स, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में ये बताया गया है कि उसके पहले निकाह के समय ये बात हो रही है, और जब वो ये बता रहा है कि वो अपनी बीवी से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है लेकिन ही इज मैटर्ड इन लव विद दिस बॉय बाबरी, तो आपको उससे सिर्फ यही जवाब मिलता है। तो बाबरी शब्द जो है वो बाबरनामे सिर्फ ये दो तरह से आता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सवाल आपने ले किया था कि अकबर का क्या नजरिया था और बाकी के लोग क्या समझते थे, तो बाबर के बारे में अकबर ने ही ज्यादा बातें की है, बाकी के लोग बाबर के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब हुमायूं नामा लिखा गया, जो गुलबदन बेगम ने लिखा, जो हुमायूं की बहन है और बहन और बाबर की बेटी है हुमायूं की, तो हुमायूं नामा में भी बाबर का बहुत जिक्र है और उसको एग्जैक्टली बहुत प्रेज किया गया है। सो बाबर वॉज ऑलवेज लाइक हीरो टू दीज पीपल और सर्टेनली पीपल ओड अ लॉट टू हिम, जैसा वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन से, और उनका बाबर का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था इन लोगों के ऊपर। मुझे लग रहा है मुझे आपके साथ सीरीज करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ इट लुक्स लाइक ये तो फर्स्ट, मुझे लग रहा है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास 37 क्वेश्चंस हैं टोटल एंड वी हैव ओनली गॉन थ्रू 4 or 5। एंड दर्शकों को बता दूं, दर्शकों मेरे मालूम ही होगा कि मेरा इसमें बहुत ही कम रुचि रहती है पर्सनली, और इसीलिए मैं आभास से सुनना चाहता हूँ ये सब चीजें, क्योंकि आभास ने इसमें बहुत रिसर्च की है। और तो इसके बाद के जो शोज में मैं इसका जो, क्योंकि इफ आई लुक एट द हिस्ट्री, कोई भी इस्लामिक नेशन 57 जो भी है, इनके पास सेनाएं नहीं होती, ये लुटेरों कबीलों के थ्रू काम करते हैं। ईरान के पास भी कोई सेना नहीं है, उसने ऐसे आतिशबाजी का शो किया भी इजराइल के ऊपर, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, एवरीवन इज मेकिंग फन ऑफ द इजराइल, लेकिन इतिहास बताता है कि दे नेवर फॉट एज एन आर्मी, उनका आर्मी कभी थी ही नहीं, वो तो उन्होंने हिंदू राजाओं को की सेनाओं को यूज करके एक आर्मी बनाई थी भारत में। एंड आई वॉन्ट टू सी कि इसका फाइटिंग स्किल क्या था, क्या यह कोई युद्ध जीत पाया, क्या यह कभी किसी को हरा पाया बिना किसी हिंदू राजाओं की मदद से, बिकॉज वी नीड टू मतलब क्या करें कि सच जानना जरूरी है कि द डिबंकिंग इसका मिथोलॉजी जो क्रिएट की गई थी भारत में, एंड वी हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ इट, और क्या क्या सेनाएं थी, किसने किस पे आक्रमण किया, और क्या भारत पे पूरी तरह शासन कर पाया नहीं कर पाया, भारत तो काबुल भी घबरा था उस समय तो। सो इस पे सब विषय पे हम लोग बात करेंगे आभास, तो यू हैव टू टेक आउट टाइम वंस अ वीक कि हम लोग ये कि इस पे पूरा सीरीज करें, एक 3-4 शोज का, जिसपे हम इसके पूरे डेप्थ में जाएं बुक से। और बुक का लिंक इज अवेलेबल, मैंने बुक आपको दिखाई भी दर्शकों को कि आप अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हैं, बाबर और आभास मलदैया दोनों नाम एक साथ सर्च करेंगे तो बुक मिल जाएगी इजिली। एंड फॉर द अमेरिकन ऑडियंस इट इज अवेलेबल इन द US टू, US, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, UK, न्यूजीलैंड, कैनेडा, इटली, जहां भी हमारे दर्शक रहते हैं वहां सब जगह बुक अवेलेबल है। यू कैन बाय लोकली। यस, आई जस्ट चेक्ड इट व्हेन माय जब स्क्रीन से गायब हो रहा था, ये सब चेक कर रहा था मैं, तो इट्स अवेलेबल इन ऑल दिस कंट्रीज नाउ, तो आपको भारत से मंगाने की जरूरत नहीं है। एंड आई ऑलवेज से सपोर्ट इंडियन ऑथर्स, क्योंकि नाउ इट्स अ टाइम टू सपोर्ट इंडियन ऑथर्स। दुनिया में
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स आर नाउ पब्लिश्ड बाय इंडियन ऑथर्स इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी. तो इनको भी आप बेस्ट सेलर बनाइए. द वे यू हैव मेड मी अ बेस्ट सेलर, यू मेड हिम अ बेस्ट सेलर इन इन अमेरिकन टेरिटरी. सो थैंक यू ऑल वेरी मच. और आवाज जी दूसरे शो के लिए तैयार रहिए. अगले हफ्ते विल गो इनटू द आर्मी साइड ऑफ इट और इसका वॉर फाइटिंग स्किल्स उस पर भी जानना जरूरी है, whether he could fight or not. Sure. So, thank you all very much for the views and आपको अगले शो में मिलते हैं वापस सब लोग. Thank you, Avaz, for coming on the show. Thank you, my pleasure. Thank you.